मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल लर्न न्यू चैप्टर दैट इज एडिशन। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टू टॉपिक्स, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड एडिशन विदाउट कैरी, राइट? सो लेट अस फर्स्ट सी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सपोज मैं कोई भी नंबर लूं, 35 प्लस 14, राइट? तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 1 4, राइट? अभी इसका ऑर्डर चेंज करो, ऑर्डर यानी ये पीछे का नंबर आगे लिखो और आगे का नंबर पीछे लिखो, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 14 प्लस 35 4 प्लस 5 दैट इज 9 1 प्लस 3 दैट इज 4। समझ में आया? तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम उसका ऑर्डर चेंज करें, ऑर्डर यानी आगे जो नंबर लिखा है उसको पीछे लिखे या फिर उल्टा फुल्टा कर दे, तो उसका आंसर एडिशन में हमेशा सेम ही आएगा। अंडरस्टूड? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? कि हम आगे लिखे नंबर या पीछे लिखे सभी का प्लस सेम ही होगा, उसका ऑर्डर हम चेंज करें तो ऑर्डर चेंज करने से उसका आंसर चेंज नहीं होता। अंडरस्टूड? नाउ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुपिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुपिंग। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुपिंग में क्या होता है? सपोज मैं 3 या फिर उससे ज्यादा नंबर लूं, तो पहले तो मैं ये दोनों को ग्रुप बना लूं, ये दोनों का ग्रुप, तो ये पहले दोनों को प्लस करूं, 46 प्लस 21 76। अभी क्या करूं? इसका जो भी आंसर आएगा उसको ये थर्ड नंबर के साथ प्लस करूं, यानी 67 35 7 प्लus 5 12 6 plus 1 7 7 plus 3 10। अंडरस्टूड? हमें फाइनल आंसर क्या मिला है? 102। अभी ये तो फर्स्ट दो को ग्रुप बना है, अभी मैं सेकेंड लास्ट दो को ग्रुप बनाऊं, ये दोनों का ग्रुप बनाऊं, तो भी आंसर हमें सेम ही मिलेगा, 6 और ये हुआ 5। अभी इसको यहाँ पे लिखना, 56 प्लस 46, 6 प्लस 6 12 6 7 8 9 10, आंसर सेम आया। अभी मैं फर्स्ट और लास्ट को ग्रुप बनाता हूँ, इसको और इसको ग्रुप बनाता हूँ, तो 46 35 11 5 6 7 8 81। अभी ये 81 को हमें यहाँ लिखना है और 21 प्लस करें, ये 2 और ये 8 प्लस 2 10, तो आंसर सेम आया। तो कोई भी दो नंबर को हम ग्रुप में डालें, बाद में उसको उसका जो भी आंसर आता है उसको थर्ड नंबर के साथ ऐड करें, तो आंसर सेम ही आएगा, उसका ऑर्डर कुछ भी हो वो चलेगा। अंडरस्टूड? नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर 0। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर जीरो। अंडरस्टूड?
ये प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी नंबर को हम जीरो के साथ प्लस करें, वो जो क्वेश्चन है वो ही आंसर में मिलेगा। 35 प्लस जीरो, तो 0 प्लस 5, 5 और 3, समझ में आया। कोई भी नंबर को हम जीरो के साथ प्लस करें तो वो सेम टू सेम नंबर आंसर में आएगा। 56 प्लस 0, आंसर इज 56। 90 प्लस 0, आंसर इज 90। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहता है कि कोई भी नंबर को हम जीरो के साथ प्लस करें तो वो जो क्वेश्चन में नंबर है सेम टू सेम आंसर में नंबर आएगा। अंडरस्टूड? प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। कोई भी नंबर को हम उसका ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो उसका आंसर चेंज नहीं होता। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो नंबर को हम ग्रुप करें और उसका आंसर थर्ड नंबर के साथ प्लस करें तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा, कोई भी ग्रुप, कोई भी नंबर को ग्रुप में ले तो एडिशन में। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। कोई भी नंबर को हम जीरो के साथ प्लस करें तो आंसर जो भी क्वेश्चन में है वही आंसर में हमें नंबर मिलेगा। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड टॉपिक इज एडिशन विदाउट कैरी। एडिशन विदाउट कैरी। नाउ मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। प्लस 1246, ये दो नंबर को हमें ऐड करना है यानी प्लस करना है। सो क्या करेंगे, पहले तो ये वाला नंबर लिख लें। यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करो। अभी प्लस हमें कैसे करना है, ये नंबर 3 के बाद हमें कितने प्लस करने हैं, 6 प्लस करने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3 से गिनेंगे और 6 नंबर हमें ऐड करने हैं। तो 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम ऐसे प्लस करेंगे इजी वे में। पहले ये नंबर है, उसके बाद के नंबर से हमें स्टार्ट करना है, यानी ये 3 है, राइट। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, हमें 6 नंबर प्लस करना है। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर आ गया हमें 9। बाद में फिर से 3 है, 3 के बाद कितने नंबर हमें प्लस करने हैं, 4, यानी 4 ले लिए। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, 5, 6, 7, सो यहाँ पे 7। अंडरस्टूड? बाद में है 5, 5 के बाद हमें कितने नंबर प्लस करने, 2, तो 6 और 7, यहाँ पे 7। बाद में है 7, 7 के बाद कितने नंबर ऐड करने, 1, यानी 7 के बाद 8, सो आंसर हमारा आ गया 8। अंडरस्टूड? थोड़े और एग्जांपल करते तो क्लियर आइडिया आ जाए हमें। 5815 प्लस 4063, 4 डिजिट है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5815 4063 प्लस करो। चलो अभी कौन सा नंबर है यहाँ पे, 5 में कितने डालने हैं, 3, तो 3 फिंगर्स हमने कर ली। 5 के बाद वाला नंबर हमें काउंट करना है, 6, 7, 8, तो हमारा आंसर आ गया 8, राइट। अभी यहाँ पे है 1 में कितने ऐड करने हैं, 6, तो 1 में हम 6 डालते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सो आंसर आया 7। दी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हमें याद है कि कोई भी नंबर को जीरो के साथ प्लस करो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 8। बाद में है 5 में कितने नंबर ऐड करने हैं, 4, तो 4 फिंगर्स को लो। 5 के बाद 6, 7, 8 और 9, तो ये हमारा ऐड हो गया। अंडरस्टूड? नाउ 3
नंबर्स आए तो थ्री नंबर्स आए तो क्या करना है, सेम थिंग करना है हमें, 2451, 2423, 1104, ये सभी को हमें करना है प्लस। चलो वन है, वन में पहले तो कितने डालने हैं, थ्री, तो वन के बाद टू थ्री फोर, राइट। अभी फोर में कितने डालने हैं दूसरे, फोर, तो फोर खोलो, फाइव सिक्स सेवन और एट, तो यहाँ पे आंसर आ गया एट, राइट। नाउ फाइव, फाइव में कितने डालने हैं, टू, सो फाइव के बाद सिक्स और सेवन, सेवन में कितने डालने हैं, जीरो, तो जीरो आए तो जो आंसर आए वो ही लिखना है, सेवन। नाउ फोर, फोर में कितने डालने हैं, फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, एट में कितने डालने हैं और वन, तो एट के बाद नाइन, सो आंसर आया हमारा नाइन। टू है, टू में कितने डालने हैं, टू, सो टू फिंगर्स खोलो, टू में, टू के बाद कौन सा नंबर आता है, थ्री एंड फोर, फोर में कितने डालने हैं, वन, फोर में वन तो फाइव, आंसर इज फाइव। अंडरस्टूड? नाउ वॉट इफ एक नंबर कहीं पे कम आ जाए, तो एक डिजिट या फिर दो डिजिट्स कम आ जाए, तो 6152 प्लस 1204 प्लस 622। अभी देखो यहाँ पे फोर डिजिट है, यहाँ पे भी फोर डिजिट है, यहाँ पे थ्री डिजिट है, तो इसमें तो एक नंबर कम है, तो पहले ये दोनों डिजिट लिखते हैं, 6152 1204। अभी इसको हम लास्ट से लिखेंगे, टू टू सिक्स, क्योंकि इसमें एक नंबर मिसिंग है, तो आगे हमने डाल दिया जीरो, राइट। अभी हमें पता है क्या करना है, टू में कितने डालने हैं, फोर, सो फोर फिंगर, टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स में कितने डालने हैं, टू, सो सेवन एट, आंसर हमारा आ गया एट। नाउ फाइव में कितने डालने हैं, जीरो, तो फाइव में जीरो डाले तो फाइव ही आएगा, फाइव में फिर से कितने डालने हैं, टू, सो सिक्स और सेवन, आंसर आ गया हमारा सेवन। नाउ वन, वन में कितने डालने हैं, टू, सो वन के बाद टू थ्री, थ्री में कितने डालने हैं, सिक्स, फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, तो हमारा आंसर आ गया नाइन। नाउ यहाँ पे सिक्स में कितने डालने हैं, वन, सो वन, सिक्स के बाद आया गया सेवन, सेवन में कितने डालने हैं, जीरो, सो आंसर हमारा सेम टू सेम आएगा सेवन। अंडरस्टूड? नाउ फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू प्लस टू हंड्रेड सेवेंटी प्लस फिफ्टीन। अभी यहाँ पे देखो फोर डिजिट नंबर है, यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर है और यहाँ पे टू डिजिट नंबर है, तो पहले ये फोर डिजिट वाला नंबर लिख लेते हैं, फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड टू, इसमें एक नंबर मिसिंग है, तो पीछे से लिखो और आगे आ गया डाल देना है जीरो, क्योंकि वहाँ पे मिसिंग है, कुछ है नहीं, यहाँ पे दो नंबर मिसिंग है, तो पीछे से लिखो फाइव वन, यहाँ पे दो नंबर मिसिंग है, तो दो जीरोस, अंडरस्टूड। प्लस टू में फाइव डालना है, टू के बाद फाइव डिजिट हमें काउंट करना है, टू के बाद क्या आएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और सेवन में जीरो डालो तो सेवन ही आएगा, राइट। अभी जीरो में सेवन डालो तो सेवन, सेवन में वन, तो सेवन के बाद एट, सो आंसर आ गया हमारा एट। थ्री में कितने डालने हैं, टू, थ्री के बाद फोर फाइव, आंसर फाइव, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, फोर के नीचे दोनों में जीरो है, तो क्या डालेंगे, डायरेक्ट फोर। अंडरस्टूड? वन लास्ट एग्जांपल,
5806 प्लस 171 प्लस 22, नाउ 5806, अभी इसमें एक नंबर मिसिंग है 171 और यहाँ पे 0, इसमें दो नंबर मिसिंग है 2 यहाँ पे 0 0, राइट। अभी 6 में 1 डालना है, 6 के बाद 7 में 2 डालना है, 7 के बाद 8 9, आंसर आ गया हमारा 9। 0 में 7 डालो तो 7 में 2 डालना है, 7 के बाद 8 9, सो यहाँ पे 9। 8 में 1 डालना है तो 8 के बाद 9 में 0, तो वो तो 9 ही रहेगा। और 5 के नीचे दोनों 0 है तो क्या लिख देना है, डायरेक्टली 5। अंडरस्टूड, थैंक यू।